नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कढ़ाई स्टिच बनाना बता रही हूँ। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये 4x4 का हमने स्क्वायर ये हमने ड्रॉ करके रखा है। 4 सेंटीमीटर दर से 4 सेंटीमीटर का हमने स्क्वायर बना के रखा और हमने इसे बीच में लाइन को ड्रॉ करना है। ये देखिए, हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। ये सेंटर पॉइंट के बाद ये हमें इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। अब सेंटर लाइन के दोनों साइड से बराबर डिस्टेंस पे हमको ऐसे लाइन पॉइंट लगाना है पहले। अब हम इस तरफ वाले को इसको इस तरफ से मिलाना है, ऐसे इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। और ये वाला जो है वो हम इस पॉइंट से मिलाएंगे। इसी तरह हमें इस तरफ भी ऐसे ही करना है। सेंटर लाइन को मिलाते हुए ये हमें इस पॉइंट से जॉइंट करना है। और अब ये वाले पॉइंट्स को हमें ये वाले पॉइंट से मिलाना है। ये देखिए, इस तरह से हमने मिला लिया है। और हम यहाँ बीच में यहाँ पर हम दो लाइनें सीधी सीधी खींचेंगे। इस तरह से देखिए, ये हमने फ्लावर को ड्रॉ कर लिया है। अब इसको बनाना मैं बता रही हूँ। पहले ये एक पॉइंट से हमने धागे को निकाला और ये हम इस कॉर्नर में जाएंगे। ये देखिए, अब हम इसे सीधे नहीं लेना है। जैसे हमने ड्रॉ किया था क्रॉस में, वैसे ही हम इसे बनाएंगे। अब हम इस तरफ से बनाना चालू करेंगे। ये देखिए, इस तरफ लिए हमने। ये देखिए, अब हम इसे क्रॉस करते हुए इसको ले जाना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे क्रॉस स्टिच अभी बना लिए। अब ये बीच की जो दो लाइनें हैं, अब हमें उनको सीधी बनानी है। ये हमें स्ट्रेट ही लेनी है।
ये देखिए इस तरह से हमने ये इसको बनाया है। अब हम सुई को सेंटर वाले पार्ट से निकालेंगे, ये देखिए हमें चार लाइनें एक साथ लेनी है, एक दो तीन और ये चार, ये हमारी ये पांच, एक दो तीन चार पांच, ये हमें एक को छोड़ के सुई जो है वो हम एक छोड़ के एक में डालना है इस तरह से हमें। और जो लास्ट की रहेगी उसको लपेटते हुए हमें लेना है। ये देखिए ये देखिए इस तरह से हमें अब ये छोटे वाले पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ से। तो अब हम जो बच्चे हैं उनमें ये वाले में कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से हमें ये पूरा फ्लावर कंप्लीट करना है। ये हमारी एक साइड की पत्ती कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये हमारी पत्ती नीचे से यहाँ ये शेप तैयार हो गया। अब इधर का शेप है, अब जो ये पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट ये बचा है इसको हमको दो तीन बार लपेटना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारी एक पत्ती कंप्लीट हो गई है।
अब हम दूसरी पत्ती भी इसी तरह से तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह भी हमें ऐसे लेना है। 1 2 3 4 5 जो डंडियां हमने बनाई हैं, इन 5 को फिर से हमें लेना है। इस तरह से हमारे फ्लावर जो है वो 4 भाग में बट जाता है। इस तरह से हमें पूरे 4 पत्तियों को कंप्लीट करना है। इस तरह से कि हमें ये ऐसे फ्लावर कंप्लीट करना है इसको। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।